नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पञ्चन मुक्कारो एसो पंचन मुक्कारो सवपावपणासनो सवपावपणासनो मंगलानं च सवेसिं मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद कोई प्रश्न? हाँ स्वामी जी, हाँ बच्ची लिए लेते हैं हेमा बेन बाद में। हाँ जय सच्चिदानंद। महावीर भगवान ने ऐसे कौन से पुण्यानुबंधी पुण्य बांधे थे जो उनको तीर्थंकर नाम कर्म पड़ा? परेशान जी सुना ना सो गए जे, वो पूछ रहे हैं कि महावीर भगवान ने क्या किया था कि तीर्थंकर नाम कर्म बना उनका? क्या 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 किया था? महावीर भगवान ने ऐसे कौन से पुण्यानुबंधी पुण्य किए या कौन सा क्या किया होगा तो उनको तीर्थंकर भगवान का नाम कर्म पड़ा? उनको तीर्थंकर भगवान का नाम कर्म तो जो गोत्र का जो बंध पड़ता है ना, वो कैसे करें लोगों का कल्याण हो जाए, किस तरह से लोगों अज्ञान से मुक्ति पाए, किस तरह से लोग दुख से मुक्ति पाए, ऐसा ऑटोमेटिक बट नेचर अंदर से होता है, तभी वो तीर्थंकर का नाम गोत्र गोत्र कर्म का बंध पड़ता है। कोई भी संयोग बनता है उसमें किस तरह से लोगों का कल्याण हो उस तरह का वो गोत्र तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म बंद पड़ता है। ख्याल में हाँ कुछ तो किया होगा ना उन्होंने? नहीं किया होगा, नहीं वो अंदर से हार्ट से आता है, करने से नहीं होता है। हम सभी आप तो पुत्र को ऐसा होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जिसका वो दिल वो एकदम जाता है, एकदम करुणा की टॉप पर जाता है ना, तब वो तीर्थंकर नाम गोत्र बनता है। तो भावना भावना की इंटेंसिटी हायर रही होगी उनकी। वो बट नेचर होता है, बट नेचर होता है, करने से नहीं आता है, वो करने से नहीं आता है। काफी महात्माओं ने दादा भगवान को कहा था हमको भी तीर्थंकर बनना है, दादा भगवान बोले रहने दो ना, अभी नर्क में जाना पड़ेगा, ये सब बहुत तकलीफ आती है, इतना हो गए वो कोई खाने का बात नहीं है वो सब। जबरदस्त उसके अंदर पीछे होता है। ऐसे ही नहीं बनता है, ऐसे ही नहीं बनता है। मैंने ना किसी मैंने एक है ना मेरी स्कूल में एक जैन सर है, मैंने उनको भी बोला तो वो ऐसे बोल रहे थे कि है ना समोसरण में जाने के कारण उनको ये गोत्र पड़ा, वो ऐसे बोल रहे हो सकता है। कोई भी सी बंद तो कोई भी कारण कहीं पर भी पड़ सकता है, लेकिन तभी वो हृदय के अंदर ऐसा भाव उठता है कि किस तरह से लोगों का कल्याण हो जाए, उसका मैं निमित्त बनूं, तो वो बंद पड़ता है। लेकिन उसकी जो तीव्रता होती है, उसके अंदर जो हार्ट में जो फीलिंग होती है, वो बहुत अलग होती है। हमने दादा भगवान को देखा तो दादा भगवान ने जबरदस्त आप पूरे 30 साल ज्ञान होने के 30 साल तक किस तरह से लोगों का कल्याण ही हो उसी तरह पूरे घंटों के घंटों बिरा सालों के साल उन्होंने गुजारे। सुबह 4 बजे 6 बजे से चालू हो जाए उनका काम तो रात को 11 बजे तक वो काम करते थे।
किस तरह से लोगों का काम हो। अभी उनकी आप टेप सुनो तो समझ में आवे कि दादा एक की एक बात 500 बार रिपीट करते थे, फिर भी सामने वाले को वो चीज किस तरह से समझ में आए वो समझाने में ही पड़ते थे, क्योंकि बोले एक ज्ञान मेरी एक बात समझ में आ गई उसका कल्याण हो जाएगा। हाँ। ख्याल में आई ना। हाँ। तो उसी के लिए वो जिए, उसी के लिए जिए। इसलिए इसलिए वो एक 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 ऐसा पीक आता है, वो पीक में वो बंद पड़ जाता है। सबका हाँ। सबका संयोग अलग अलग होता है। कृष्ण भगवान नेमिनाथ भगवान को मानते ही नहीं थे, फिर अचानक उनको एक दिन ख्याल आया कि ये तो मेरे अंकल के बेटे हैं, तो अंकल ही है शायद, अंकल ही है तो मेरे को उनको नमस्कार करने के लिए तो जाना चाहिए। फिर नमस्कार करने के लिए गए, फिर भगवान को बोलते मुझे माफी दो मैं नहीं आया हूँ, ऐसा किया ऐसा किया, तो भगवान बोलते ऐसे माफी नहीं मिलती है, जाओ ये 500 साधु को नमस्कार करो। तो उन्होंने दिल से 500 साधु को जो नमस्कार किया ना है, उसके अंदर उनका तीर्थंकर गोत्र का बन पड़ गया। अच्छा। हाँ, इसलिए इसलिए क्या होता है कभी किस तरह से होता है कोई बोल नहीं सकता है। हाँ। ख्याल में है ना, वो बट नेचुरल एक फीलिंग, नेचुरल फीलिंग आती है। करने से नहीं होते। हम हर रोज अपन सत्संग के बाद हर रोज प्रार्थना करते हैं सभी जीवों का कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो, लेकिन वो एक 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 हार्ट की फीलिंग एकदम उत्कृष्ट परिणाम में जब चली जाती है तो बंद पड़ जाता है कि भाई चलो ये तीर्थंकर बन जाएंगे। कैसे पड़ा हो तो सब इंसिडेंट सब बताते हैं, लेकिन ये मेन बात है कि किस तरह से लोगों का कल्याण हो, कर्म से मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, दुख से मुक्त हो, वो उनकी जबरदस्त भावना हो जाती है और उसमें वो बंद पड़ जाता है। रीजन कुछ भी हो, संयोग कोई भी हो। हाँ, जैसे रावण के लिए बोलते हैं कि वो शिव भगवान की भक्ति कर रहे थे तो वीणा के तार। किस तरह से लोगों का कल्याण हो, उनकी भी बहुत भावना थी, किस तरह से लोग कल्याण हो जाए, लोग रीच हो जाए, दुख से मुक्ति पाए, ऐसी सब भावना से ये तीर्थंकर गोत्र बन पड़ता है। ठीक है। हाँ स्वामी जी, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसलिए आप भी थोड़ा बहुत भले अपना तीर्थंकर गोत्र नहीं बने, लेकिन जिसको भी मिलो तो दादा की थोड़ी बात, ज्ञान की बात, प्रिंसिपल की बात करते रहने की जी। अपने निमित्त से 5-10 तो चले जावे मोक्ष में जी। 500, 5,000, 5 लाख को नहीं लेके जावे, लेकिन 5 जन चले जावे तो बहुत हो गया ना। ठीक बात है स्वामी जी। ऐसा करना, आप तो बहुत शक्तिशाली हो। ठीक है स्वामी जी। तो ऐसा 5-10 को लेके जाओ। ठीक। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે સ્વરૂપ વિજ્ઞાન 2 નંબર અને 1 5 1 1 વાક્ય અને પાના નંબર 56 અમે થિયરીમાં નથી, થિયરમમાં છીએ. આ તો મુઆ કોઈ વૈષ્ણવના કુવામાં પડ્યા છે, કોઈ સ્વામિનારાયણના કુવામાં પડ્યા છે. મને પૂછીને પડને હિન્દુસ્તાનમાં એક પણ માણસ ધર્મ શું છે તે સમજતો નથી. પોતે અવિનાશી છે અને ધર્મ વિનાશી છે અને માને છે. આ તો પરના સ્વામી થઈને બેઠા છે. વાળે વાળે ને પરમાણુને પરમાણુમાં ભૂલ છે. હવે આ જે પરમાણુ પરમાણુમાં ભૂલ છે સમજાયું, એ ઉદ્ગલ પક્ષમાં હોય બરાબર છે. દાદાજી કહેતા હતા કે પેલું એક પદમાં કઈક આવે છે, અનંત જીવોથી રાશિથી ભરેલો આ જીવ છે, પણ એ એ એ બધા પરમાણુને શુદ્ધ કરી દો ત્યાર પછી મુક્તિ મળે, એ બરાબર છે? હું સમજું એટલે બહારના જીવો નથી નડતા, અંદર જે જીવો છે, ધારો કે કેડ દુખતી હોય તો કેડ આગળના જીવો હોય એ દુખતા હોય, કમર દુખતી હોય, બોચી દુખતી હોય, વટેવર,
ત્યાં આગળ જે જીવો ને પરમાણુ ભર્યા હોય એ દુખે, એ પરમાણુ ભરેલા હોય પણ જે સેટિંગ હોય તે સેટિંગ ના હોય એટલે દુખે, પણ એ અસાતા વેદનીય છે, પણ એ તમને નથી થતું, દાદાજી બોલ્યા હતા કે પરમાણુ પરમાણુ શુદ્ધ કરીને કર્મ મને છોડશો તો તમે મોક્ષે જશો. હા, એટલે પરમાણુ પરમાણુ શુદ્ધ કરવાના એટલે શું? તો કે આ જે થઈ રહ્યું છે તે જે પૂતગલ માં થઈ રહ્યું છે તે મને થઈ નથી રહ્યું, અને હું શુદ્ધાત્મા છું એટલી ગોઠવણ કરો એટલે શુદ્ધ થતા જાય. તમને એમ થાય કે મને થયું અથવા તો આ કેમ થાય છે અથવા તો આ કેમ આમ થાય છે, તો કે ના થાય, એ અશુદ્ધ થઈ જાય. હિન્દી 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 પ્લીઝ. ઓ સોરી સોરી સોરી, એસા બોલના ચાહતે હૈ કે એ મુજે ક્યું હોતા હૈ એસા જબ તક હોતા હૈ યા તો જિસે હોતા હૈ વો આપ દેખોગે તો પરમાણુ શુદ્ધ હોકે નિકલ જાયેંગે. એટલે પરમાણુ ઓર શુદ્ધાત્મા, પુદ્ગલ ઓર શુદ્ધાત્મા કો અલગ રખના વોહી હમારા અભી પુરુષાર્થ હૈ, ઓર જિતના રખોગે ઉતના પુદ્ગલ શુદ્ધ હોતે જાયેગા. અચ્છા, વોહી સાયકોલોજી ઇફેક્ટ હૈ? વોહી સાયકોલોજી ઇફેક્ટ હૈ. અચ્છા, સાયકોલોજી ઇફેક્ટ ક્યા હૈ કે જો પુદ્ગલ મે હોતા હૈ વો મુજે હોતા હૈ એસા જો માનતે હૈ વો સાયકોલોજિકલ ઇફેક્ટ હૈ. સમજણ પડી ગઈ, બરાબર એક્સેપ્ટ પડી ગઈ. અને બીજું તમને પાના નંબર 1740, પાના નંબર 84, સર્વસંગ પરિત્યાગ એ સંશય માર્ગ છે અને સર્વસંગ ગ્રહણ એ નિસંશય માર્ગ છે, તે તમે જોયો? વાપસ બોલીએ આપ. સર્વસંગ પરિત્યાગ એ સંશય માર્ગ છે. કયો માર્ગ? સંશય. સંશય હા માર્ગ છે અને સર્વસંગ ગ્રહણ એ નિસંશય માર્ગ છે, તે તમે જોયો? એ એ ની ની સંશય, ની પછી બે ટપકા અને સંશય વાક્ય કરશે હમણાં. હા માર્ગ છે તે તમે જોયો? હા હા, પછી શું? પણ બસ આટલું જ વાક્ય છે, શું સમજવાનું? ના, આમાં નહીં સમજવાનું આમાં કઈ, કારણ કે થોડા રેફરન્સ ચાહીએ ઇસમે, ક્યોંકિ સર્વસંગ પરિત્રાંગ પરિત્યાગ વો સંશય માર્ગ નહીં, વો નિસંશય હૈ, ઇસલે કભી કભી શબ્દ ઇધર કે ઉધર હો જાતે હૈ, ઓર ઉસકો દૂસરી તરફ સે ભી લે સકતે હૈ કે સર્વસંગ ગ્રહણ વો માર્ગ આપને દેખા હૈ એસા પૂછતે હૈ, સર્વસંગ પરિત્યાગ વો સંશય માર્ગ હૈ વો આપને દેખા એસા પૂછતે, સર્વસંગ ગ્રહણ વો વો ગ્રહણ માર્ગ હૈ વો આપને દેખા વો ની સંશય હૈ વો આપને દેખા હૈ એસા પૂછ રહે હૈ. અચ્છા, ઉસકા આગે પીછે રેફરન્સ ચાહીએ, આગે પીછે રેફરન્સ ચાહીએ, અભી ઉસકો આપકો સમજના હૈ તો દો રીત સે સમજ સકતે હૈ કે સ્વરૂપ કા ગ્રહણ, સ્વરૂપ કી ગ્રહણતા કો સર્વસંગ ગ્રહણ બોલ સકતે હૈ, ઓર સર્વસંગ પરિત્યાગ, સર્વસંગ પરિત્યાગ યાને જિસકો ત્યાગ વર્તતા હૈ ત્યાગ કરના પડતા નહીં હૈ. પરિણામ હૈ શુદ્ધાત્મા કે ગ્રહણ કરને કે બાદ. અચ્છા અચ્છા, ખ્યાલ મે ને, વો શુદ્ધાત્મા કે સ્વરૂપ કી ગ્રહણ કે બાદ વો વો ઉસકા પરિણામ હૈ. રેફરન્સ દેખના ચાહીએ, રેફરન્સ કે એક રેફરન્સ દેખના ચાહીએ, તો મેં આપકો મેરે હિસાબ સે બાત કરતા હું, લેકિન કિસ હિસાબ સે યે બાત બતાઈ હૈ વો દેખના ચાહીએ, ક્યોંકિ સર્વસંગ પરિત્યાગ વો સ્વરૂપ કી પ્રાપ્તિ કે બાદ હોતા હૈ ઓર વો સંશય માર્ગ નહીં હો સકતા, ક્યોંકિ સર્વસંગ પરિત્યાગ યાને પુદ્ગલ, પુદ્ગલ મે ઉસકે એક એક સેન્ટ ભી અપને વો રહેતા ઉપયોગ નહીં રહેતા હૈ. નિશ્ચય નો મીનિંગ શું થાય? સંશય અને નિસંશય નો મીનિંગ શું થાય?
संशय याने शंका शंका अच्छा अच्छा डाउट्स डाउट्स डाउट अने निश्चय એટલે નો ડાઉટ સર્વસંગ ગ્રહણ એ ની સંશય માર્ગ છે એ તમે જોયો તે તમે જોયો એમ કે છે ક્વેશ્ચન માર્ક નથી તે તમે જોયો એટલે સર્વસંગ ગ્રહણ અને સબકે અંદર શુદ્ધાત્મા દેખના શુદ્ધાત્મા દેખના શુદ્ધાત્મા કા અનુભવ કરના વો ની સંશય માર્ગ હે અચ્છા ख्याल में और सर्वसंग परित्याग यानी सब लोग त्याग करते हैं एक्चुअली सर्वसंग परित्याग नहीं होता है सर्वसंग त्याग होता है सर्वसंग परित्याग बोले तो वो वितरक का मार्ग प्राप्त हुआ उसके बाद में उसका एक लेवल है सर्वसंग परित्याग दादा भगवान को सर्वसंग परित्याग था तो वो संशय मार्ग नहीं बोला जाता सर्वसंग परित्याग को संशय मार्ग कब बोला जाता है जब वो क्रमिक मार्ग में है और शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है तब अच्छा इसलिए ये सब थोड़ा रेफरेंस देखना चाहिए रेफरेंस के बगैर इसके ऊपर कमेंट करनी सही बात नहीं है अच्छा अच्छा अबे बीजू पूछ लो बोलिए बोलिए पाना नंबर 100 अने 1893 नो वाक्य छे हां पाना नंबर 100 1893 ज्ञाता क्यारे पण ज्ञेय स्वरूप थया ज नथी पण भान नहीं होवाथी ज्ञेय ने ज्ञाता माने छे हां तो इसमें क्या समझना है आपको आप अपनो जरा प्रकाश नाखो ने इसमें ऐसा है कि अज्ञान दशा के अंदर ज्ञेय ज्ञाता स्वरूप काम करते हैं मैं हेमाबेन हूं और मैं ही जानती हूं अच्छा ख्याल में है ने जब ज्ञान लेने के बाद मैं शुद्धात्मा हूँ मैं ज्ञाता हूँ और हेमा बेन ज्ञेय हो गए तो जो पहले ज्ञाता थे वो ज्ञेय हो गए ख्याल में आया ते हेमा बेन ना दोनों मिक्सिंग होते नहीं है दोनों मिक्सिंग कभी होते नहीं है लेकिन अज्ञान दशा में ज्ञेय और ज्ञाता एक हो जाते हैं इसलिए उसको अज्ञान बोलते हैं तो वो जो मशीन लेकिन ज्ञेय को ही और ज्ञाता को खुद ही मानते हैं मैं ही हूँ ऐसा मानते हैं तो करने वाला भी मैं और देखने वाला भी मैं तो मैं मेरा मन को ज्ञेय स्वरूप से देखूं फिल्म देखूं वही ज्ञेय है ना वही ज्ञेय है हेमाबेन पूरे ज्ञेय हेमाबेन की वाणी हेमाबेन के वर्तन हेमाबेन का मन सब ज्ञेय है और आप शुद्धात्मा ज्ञाता हो अच्छा ए, ए, हाँ। पूरी डिमार्केशन लाइन ही है पूरी डिमार्केशन लाइन है पर आ तो मारी बात करू छु अंदर नी के बधा साथे होइए त्यारे ए बधुं आलमोलम थई जाय छे पण जारे एकला होइए छे ने तब फिल्म जोया करी ने एवुं देखाय छे वो सही बात है जब सब साथ में होते हैं तो कर्म का वो ज्यादा होता है ने तभी स्थिरता पकड़नी चाहिए अपने को अच्छा। तो इतना आपको मालूम पड़ा वो बहुत बड़ी बात है अच्छा मैंने आपको मालूम पड़ा ना ये कि सब साथ में होते तब मेरी स्थिरता कम रहती है तो मालूम पड़ा जो आजे आजे रात ना बे वागे सत्संग सांभळ्यो पछी बे थी साढ़ा चार बधुं मशीन एटलुं बधुं चाल्युं प्रतिक्रमणो एटला बधा भूलो ना थया जूनी जूनी भूलो जुओ मारी ते बदा प्रतिक्रमणो थया ते पुरुषात्मा गया हाँ पुरुषात्मा गया सब पुरुषार्थ में गए प्रतिक्रमण करने वाले हेमा बेन और मैं शुद्धात्मा वो उपयोग रहे तो समझ जाने का सब पुरुषार्थ में गया अने आपने जो बताया था ने मुकुल को के वो प्रतिक्रमण करो तो सारी रात उसका प्रतिक्रमण हुआ उसकी गलतियां अच्छा, बहुत अच्छा उसकी गलतियां मैं देखती थी पहले तो दिखाई देती थी बाहर से अभी हाँ। वो निर्दोष है निर्दोष देखने का मैंने शुरू किया है उसको बहुत अच्छा किया और मैंने वो मेरी फाइल है उसका संभाव निकाल करने का हेमा ऐसे बैठो वो सामने बैठा है मैं इधर बैठी हूँ और उसका प्रतिक्रमण करो बहुत अच्छा प्रत्याख्यान करो बराबर बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात करी बहुत अच्छी बात वेरी नाइस अच्छा जय सच्चिदानंद प्रतिक्रमण से चिकास कम हो जाती है बहुत चिकास ऊंची थी जाए पर हाँ। आ बात
એક આ પર્ટીક્યુલર માણસ માટે નોતી થતી, પણ હવે આપણા કહેવાથી અને ખબર નહીં તમારું બળ છે પાછળથી, તો એનાથી આજે બે કલાક પ્રતિક્રમણો થયા, લગભગ અઢી કલાક. ઓ દાદા ભગવાન બોલતે પ્રતિક્રમણ સે મન હલવા હો જાતા હૈ. હલવા તો અસર નહીં હોતી હૈ, પણ ફિર જરા ચૂંચું ચૂંચું થાય ને, હળવા 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 હલવા નહીં હળવા હળવા થાય, પણ અસર નથી થતી. પણ છતાં બી આપણે એ પ્રોજેક્ટમાં છીએ એટલે આપણને થોડો ઘસારો રહે. અસર થા, અસર હોય યા નહીં હોય, પ્રતિક્રમણ કરને સે અપના બોજ હે ને વો હલકા હો જાતા હૈ. અચ્છા અચ્છા, હા ઠીક હૈ, ઓકે, બહોત સર બહુ સર બહુ સર, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. ચંદાબેન जय सच्चिदानंद. मेरे को पूछना है, दादा भगवान ने सुना है कि जो कल्पे सो थई जाए, ऐसा राइट सुना है? वापस बोलिए जरा. आत्मा जो कल्पे सो थई जाए, हाँ, कल्पे जैसा कल्पना करती है वैसा हो जाता है. हाँ, तो बचपन से जो 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 भाव के थे, जो जो कल्पना करे थी, वो रिलेट के वो सब सब दिखते है कि पूरे हो गए, पूरे दिख रहे हैं जो ने वो तो पूरे हो जाएंगे ने. हाँ, हाँ, नेक्स्ट ए पार्ट पूरा हो गया. हाँ, ए पार्ट तो व्यवस्थित ने पूरा किया. बी पार्ट में जहाँ बचपन से लिखते थे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हूँ, उसका जो अनुभव है ना, कल अभी दादा भगवान की कृपा है, वो स्पष्ट वेदना नहीं आती, तो उसमें क्या व्यवस्थित पार्शियलिटी करती है, रिलेटिव फटाफट पूरे कर. वापस बोलिए, धीरे से बोलिए आप. रिलेटिव की जो भी कल्पना करी वो सब पूरे हो गए. और रियल जो शुद्ध आत्मा लिखते थे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, उसकी स्पष्ट वेदना उसमें पूर्णता नहीं दिखती, तो क्या व्यवस्थित पार्शियलिटी करती है? उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वो इसलिए पूरा नहीं होता है कि अभी समझ कच्ची है ना अपनी. हाँ हाँ, रिलेटिव पूरा होना बहुत आसान बात है, रियल हाथ में आ जाना वो तो इस वर्ल्ड का पुण्यशाली आदमी गिना जाता है, तो वो आपके हाथ में आ गया है, लेकिन अभी उसका अनुभव धीरे धीरे होगा, क्योंकि बहुत सारे अंदर हम गलत फहमी लेके आए हैं. हाँ हाँ, चरण जी, हाँ जी, वो तो बता रहे हैं कि रिलेटिव का व्यवस्थित ने पूरा किया, रियल का व्यवस्थित कब पूरा करेगा? हाँ, वो आपकी भावना जैसी होगी वैसा पूरा हो जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ होने, पुरुषार्थ मेन बात है, क्योंकि ये 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 जो रियल जो चीज है उसमें आपको आपका स्वरूप का भान करा दिया है. लेकिन रिलेट, लेकिन जो हमारी समझ वो रियल पाने के लिए जो बीच में गलत है ना, वो अभी और बहुत सही होनी चाहिए. उसमें सबसे ज्यादा नड़ती क्या चीज है, तो कहके कर्तापन. अभी भी हमको सामने वाले के दोष दिखते है, कर्ता दिखते है, ख्याल में है ना. हाँ, और अपने को लगता है कि अपना रिलेटिव पूरा हो गया, लेकिन ऐसा पूरा हुआ नहीं, ऐसा मानते हम. हाँ हाँ, ख्याल में है, वो तो बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है. नहीं, रिलेटिव में जो ड्रीम्स देखे थे ना, वो ड्रीम्स हाँ, सब पूरे दिखते हैं, लेकिन जो लेकिन वो ड्रीम्स अभी बाकी भी अंदर पड़े हैं. अच्छा, नहीं, अभी तो बाहर नहीं आए, वो संयोग के हिसाब से बाहर आते है. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ऐसे मान नहीं लेना है, ड्रीम्स पूरे हो गए. रियल का संजोग इतना लेट क्यों फलीभूत होता है, यानी इतना, वो तो सूक्ष्मति सूक्ष्म है ना. हाँ हाँ, ये तो स्थूल है, रिलेटिव तो स्थूल भाग है, लेकिन वो भी सूक्ष्म में भावना कन्वर्ट होती है, तो ये तो ये भाव का परिणाम है. हाँ हाँ, रियल तो सूक्ष्मति सूक्ष्म, ज्ञाता पद आपको हाथ में आया, वो ही बहुत बड़ी बात है. हाँ, तो अभी अपने को तो उपयोग रखना है कि किस तरह से उसे देखे, उसको जाने और उसको अनुभव करे. हाँ, हाँ, राइट, तो अपनी जो भी कोई प्रोसेस है, वो जो भी वचन का है कि प्रोसेस है, उसमें अपने आप को अलग रखना, वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है. हाँ, हाँ, हाँ. जिसको रिलेटिव की सब भावना पूरी हो गई, तो वो जो भावना जिसको थी वो भी हम नहीं है, हम तो शुद्ध आत्मा है. हाँ हाँ, अनंत सुख वाले है. हाँ हाँ हाँ, ख्याल में है ने?
एक मिस्टेक दिखती है कि हाँ। जब ही साथ साथ में भाव किया था ना तो लगा कि मेरे को आत्मा जाना है, मेरे को आत्मा जाना है, पर दादा भगवान ने बोला यू आर ऑलरेडी ऑलरेडी आत्मा, तो यू आर ऑलरेडी आत्मा बरोबर है। वो जो आत्मा जानने हाँ। से पहले तो ऐसा ही होता है कि मुझे जानना है, लेकिन हाँ, जानने हाँ। के बाद फिर अभी उसमें रहने की कोशिश करने की हर एक संयोग के अंदर। हाँ, हाँ, और अगर नहीं रहते हैं तो प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण ही उसे बोलते हैं कि आपके आपके आपने आपका स्वभाव चूक गए, आपके स्वरूप में रहने का भूल गए, या तो आपके स्वरूप मिस हो गया, तभी प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण उसको खास करना है, उसी चीज के लिए करना है। अपने स्वरूप में नहीं रहे तो वो किसको प्रतिक्रमण करना है, शुद्धात्मा को? हाँ नहीं, अपने अपने को बोलना है, फाइल नंबर एक को बोलना है कि बोलो भाई कि हम हमारे भगवान के साथ का साथ चूक गए हम। हाँ हाँ ख्याल में खुद 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 शुद्धात्मा है तो खुद शुद्धात्मा खुद को भूल गए तो अच्छी बात है कि गलत बात है? नहीं बहुत बुरी बात है, जन्म जन्म की बीमारी भी, ऐसी कौन सी चीज है कि जो खुद को खुद से भुला देते हैं? अभी खास इसलिए भगवान ने प्रतिक्रमण यहाँ बोला था कि जब खुद को भूल जाते हो या ऐसा कोई इवेंट बनता है जिसमें शुद्धात्मा की जागृति नहीं रहती है तो प्रतिक्रमण हाँ, करो। हाँ हाँ राइट ख्याल में है ना? या बाजार में गए, बाजार में गए और हाँ, बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स देखे, कपड़े देखे, तो तब शुद्धात्मा हाँ, भूल जाते हैं। हाँ, तो शुद्धात्मा भूल गए वो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, लेकिन अभी अपन बाहर नहीं बोलते ऐसा। लेकिन जिसको हाँ, शुद्धात्मा की प्राप्ति का अनुभव करना है तो उसके लिए बहुत बड़ा गुनाह है वो। इसमें हमारी वैल्यू आत्मा के प्रति कम है या निश्चय कम है? निश्चय कम है, निश्चय कम है। अच्छा, वैल्यू भी कम है, वैल्यू भी कम है, निश्चय भी कम है। ओके ओके हाँ, हाँ एक और क्वेश्चन। जैसे जैसे आत्मा की बात समझ में आएगी हाँ, वैल्यू बढ़ती हाँ, जाएगी, बढ़ती जाएगी। हाँ 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 और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो? हाँ, हाँ, पूछे पूछे। इसमें वैसे नेक्स्ट बर्थ जो जन्म जन्म नेक्स्ट बर्थ जो मिलता है तो हाँ, वैसे तो मैंने सुना कि यानी कर्म पेंडिंग रहते हैं तो वो है? पूरे होते हैं। वापस बोलिए, नेक्स्ट जन्म का जो रूट कॉज होता है यानी नेक्स्ट जन्म क्यों मिलता है? क्योंकि या तो कर्म पेंडिंग होते हैं या तो हम जो 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 भाव करते हैं उस हिसाब से हमको ये मिलता है। पर ऐसा भी सुना है जहाँ सत्संग में इतनी वैल्यू नहीं, ज्यादा सुनने में नहीं है कि जितनी जितनी इच्छाएं होती है तो वो भी हमको यानी जैसे सुखमनी में बोलते अंत जो माया समरे वो सर्प जून उतरे अंत, मन बहुत सारे जूनियम बताइए। तो इच्छा को भी ड्यूरिंग दिस टाइम आत्मा को तो जाना है लेकिन इच्छाओं को कुछ महत्व तो, उनको उसके लिए कुछ प्रयास नहीं है आत्मा ये अपनी जो इच्छाएं हैं उठती है तो उनके लिए कुछ सुजागी वर्त है कुछ ने? नहीं समझ में नहीं रहा आपका क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा है कि इच्छा क्या, इच्छे के लिए क्या बोल रहे हो आप? रिलेटिव की जो इच्छाएं होती है तो उसके हाँ, लिए कुछ जागृति की जरूरत होती है उसको बोलते हैं जागृति है कि रिलेटिव को जो जागृति क्या करने की जो इच्छा होती है वो मुझे नहीं हो रही है और अच्छा, वो जो जागृति जो इच्छा होती है वो तो डिस्चार्ज भाग है तो वो तो अपने आप पूरा हो जाएगा। उसमें आपका पुरुषार्थ ये है कि वो इच्छा में आप शुद्धात्मा स्वरूप में रहे। अच्छा हाँ 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 ख्याल में है ना? ईगो भी चले तो उसको भी डिस्चार्ज देखना है, राग द्वेष भी चले तो उसको भी डिस्चार्ज देखना है, जो भी इच्छा उठी है राग राग एंड द्वेष को देख चले तो राग द्वेष अभी होते नहीं है अपने को क्योंकि राग द्वेष तो अहंकार के कारण अहंकार की हाजिरी है तो होते है। अभी हमको लाइकिंग डिसलाइकिंग होता है तो उसमें हमको जागृति रखनी है क्योंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग वो तो क्या बदलते रहता है। तो जो अपनी सही समझ नहीं है इसलिए लाइकिंग डिसलाइकिंग है, नहीं तो लाइकिंग डिसलाइकिंग का बात ही नहीं होती है। अच्छा हाँ हाँ, दादा भगवान की एक बात होती है कि रिलेटिव में आप खुश होते हो तो रिलेटिव में ना खुश होना पड़ेगा आपको, ऐसी दादा भगवान एक बात बोली। ओहो अच्छा हाँ, क्या बोला उन्होंने कि खुश आप होते हो तो ना खुश होना पड़ेगा और ना खुश होते हो तो खुश होना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्योंकि वो रिलेटिव बात समझ में नहीं आई है आपको। हाँ राइट, ख्याल में है ना? रिलेटिव है ना मैकेनिकल पोर्शन। हाँ हाँ, मतलब मैकेनिकल मशीन को देख के क्या खुश होने का।
शुद्धात्मा को देख के खुशी होनी चाहिए, शुद्धात्मा के ख्याल में है नहीं? हाँ लेकिन हम तो मैकेनिकल पार्ट को देखकर सब मैनिपुलेशन होता है हमारा। जितना सहज रिलेटिव की हर फीलिंग सहज हमको अनुभव करा देती है, अपमान आता है सहज, लेकिन सहज का होता है जागृति के आदत से होता है, समझ से होता है, सहज से नहीं होता है। नहीं नहीं, आत्मा का सहज फीलिंग ऐसे सहज हो कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, वो मैक्टिकल वो लगता है कि ये तो सहज लगता है। मैक्टिकल तो आत्मा वो सहजा सहज ही होगा, लेकिन जितनी समझ करेक्ट होती जाएगी, और कभी कभी तो दादा भगवान ने बोला कि अगर आपके कर्म का फोर्स कम हो जाएगा, थोड़ा कम होगा, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं क्या हूँ कैसा हूँ। अच्छा हाँ। अपने को तो अभी आज्ञा में रहने की, आज्ञा का आराधन करने का। हाँ, आराधन से सब रिलेटिव भाग की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और रिलेटिव भाग का फोर्स अपने ऊपर जो होता है वो भी कम हो जाएगा। हाँ, वो फोर्स कम होता है, लेकिन आत्मा का जो इतना जो बोलते हैं इतनी वैल्यू सुनी है, वो नहीं टेस्ट होता है, यानी कि अरे जो राजा दो फल को धीरे धीरे आएगा। अच्छा, बहुत टाइम लग जाता है बोलते धीरे धीरे, रिलेटिव का इतना फटाफट इंस्टेंट हो जाता है, कोई अपमान करे फटाफट रिएक्शन क्विकली, यानी एक सेकंड भी नहीं लगता है, पर ये आत्मा का बहुत बहुत प्रयास करने की बात ही बहुत 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 फिर भी प्रयास नहीं करना है बहन जी, प्रयास नहीं करना है, हम शुद्धात्मा है वो समझ में रखना है, और रिलेटिव के अंदर अपना जो अज्ञान फिट हुआ है वो ज्ञान फिट करना है। उसको घुटना है, घुटना है। सामने वाले ने जो गाली दी, अगर आपने किसी को पैसा दिया तो आप पैसा लोगे कि नहीं लोगे? हाँ लेंगे। तो पैसा लोगे तो पैसा लेने को तैयार होते हो, और गाली लेने को तैयार क्यों नहीं होते हो? तो क्योंकि वो ज्ञान आपको कच्चा पड़ा है, क्योंकि सामने वाला जो देता है वो तो हमने दिया है, वो देता है। राइट। पक्का करना है, उसको घुटना है। हाँ, जितना घुटोगे उतना सहज होता जाएगा सब। राइट। तो जब वो सहज कुशल सहज होगा, आत्मा तो सहज ही है, तो ऑटोमेटिक उसका अनुभव होता है फिर। अच्छा हाँ, ख्याल में आया बात? वैसे अगर वैसे आपको आत्मा का कुछ अनुभव हुआ हो तो अपने अनुभव से बता सकते हैं कि किस तरह से उसका वैभव है आत्मा का। मैंने बहुत महिमा आत्मा की सुनी है बहन जी, बहुत जबरदस्त वैभव है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतनी बात बता सकता हूँ कि मुझे जो अनुभव उसमें मुझे ऐसा लगा है कि ये जो परेश है और शुद्धात्मा है दोनों अलग है। परेश कुछ भी करे, अच्छा बुरा कुछ भी करे, कैसा भी करे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा हाँ, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बात बाहर बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते, राइट? क्योंकि बाहर तो ये बात जो है, बाहर तो लोग रिलेटिव को देखते हैं, रियल को नहीं देखते, नहीं देखते, राइट? ख्याल में है ना? और इवन जिसको रियल प्राप्त हुआ है वो भी नहीं बता सकता। हाँ, क्योंकि उसको भी ज्यादा करके रिलेटिव ही दिखता है, लोग रिलेटिव का प्रमाण से देखना चाहते हैं। रियल के प्रमाण से नहीं देखना चाहते, रियल का प्रमाण तो दादा भगवान बोलते हैं, हमने ज्ञान दिया है तो हमारा आत्मा ऐसा है। बता नहीं सकते। हाँ, जिसको जैसा चाहिए वो ही बताना है। हाँ, और उसमें जितनी कचास है तो वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। हाँ, कोई प्रयोग बता सकते हैं जिसमें प्रयोग, लास्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग बता सकते हैं सिंपल, जो जागृति जिसमें आत्म डे बाय डे से सेविंग में जमा करते हैं ना, तो ऐसे कोई प्रयोग पांच छह दिन? ये दीपक भाई प्रयोग कराते हैं ना कि मैं अलग हूँ और ये परेश अलग है, परेश विनाशी है मैं अविनाशी हूँ, परेश टेम्पररी है मैं परमानेंट हूँ, ख्याल में है ना, ये परेश रिलेटिव है मैं रियल हूँ, तो ये ऐसा प्रयोग कीजिए ना आप। हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हर एक संजोग के अंदर ये रिलेटिव बार इन्वॉल्व होता है, मैं रियल उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ,
इस तरह का आप प्रयोग कीजिए। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, आज तक तो सामायिक कर सकते हो। ओके ओके अच्छा, सामायिक कर सकते हो। क्यों हाँ, कैसे सामायिक करना है? क्योंकि मेरी लाइफ में बचपन से आज तक जो भी कुछ हुआ है सब रिलेटिव है। हाँ हाँ ओके, और ओके, मैं तो रियल हूँ तो हाँ, मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है। ओके ओके, तो जो रिलेटिव भाग में हुआ है मैं तो वो हूं ही नहीं, तो आपके जो ग्रजिस थे या तो जो लाइकिंग डिसलाइकिंग थी सब निकल जाएगा और ज्ञाता भाव में आप आओगे। हाँ, तो बहुत हाँ, अच्छी जागृति बढ़ेगी, बहुत अच्छा अनुभव होगा और रिलेटिव के अंदर आपको बहुत स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, बहुत ही सुंदर। क्योंकि आज तक ये करते थे, ये फाइल है मैं श्रोताता हूँ, पर ये एक एक जो संजोग करके जो आपने प्रयोग बताया वो मिस हो गया था, वो आज से सेट करेंगे। वो प्रयोग कीजिए, शांति से बैठ के प्रयोग कीजिए। जो भी जहाँ कुछ भी हुआ अच्छा या बुरा, तो ये रिलेटिव हुआ है, फाइल नंबर एक के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है। हमारे अंदर भीतर में अंदर 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 ऐसा पड़ा हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है। हाँ वेरी ट्रू, हाँ वो बस जो मेरे साथ हुआ है वो जो बोलते हैं ना उससे ही अपने को वो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता है। हाँ हाँ थैंक यू, बहुत सुंदर प्रयोग है। हाँ हाँ बहुत सुंदर प्रयोग है, जो मिस हो रहा था वो बच गए, बाकी के टाइम पे बच गए। हाँ हो सकता है तो वो रखो ऐसा प्रयोग, बहुत अच्छा है, जबरदस्त प्रयोग है। हाँ हाँ जय सचिदानंद, शांता बेन, जय सचिदानंद परेशानंद जी, जय सचिदानंद बोलिए। आप हमको थोड़ा गुजराती में आंसर जवाब, आप गुजराती में बोलिए। हाँ थोड़ा हिंदी समझने में ये बहन है उसको, और थोड़ा मेरे को भी समझने में थोड़ा मुश्किल है। ये तो दादा नो एक वाक्य, अमुक वाक्य वाला इकट्ठा करती हो ने, तो एमा एक मने यमराज नहीं पर नियमराज एवी रीतना दादा नो वाक्य हतु, एमा आखू लखेलू छे। केटला यमराज थी भटकी मरे छे, ते लोको ये यमराज ने ये केवा चितरिया, मोटा मोटा दांत सिंगड़ा वाला भैंस ऊपर बैठेला, ते भटकी ना मरे तो शू थाय, कूतरू रड़े तो कहे के जमरा आव्या, मुवा जमरा नामनु कोई जनावर ज नथी, आ यमराज ते तो नियमराज छे, नियमसर पद्धतिसर नो ज छे बधु, नियम प्रमाणे मृत्यु आवे छे, अने आ नियमराज छे एवु अमे कहिए तो पछी तमारे कसाथी भड़कवानु रहे। तो खरेखर तो आवु बधु अमे छे ने गामडामां, अमे आम बधा सामाजिक दृष्टिनी वात करू के एवी रीतना अमे નાના નાના લાગીએ તો એવી રીતના ક્યારેક કૂતરા રોતા હોય, તો એ ખેતરમાં અમે કામ કરતા હોય તો કે અમારા બાપા કે હા જો ઓલો જમરાજાને દેખે છે ને, ઓલો ડોહીમાં બીમાર છે ને, એટલે જોઈએ એને લેવા આવવા માટે તૈયારીઓ કરે છે, આવું બધું કહેતા રાઈટ રાઈટ. દાદાના જ્ઞાન થી તો ઘણું આમ સમજણ પડે થોડાજી, તમે મને થોડું એમાંથી વિગત સમજાવો ને પ્લીઝ. એટલે આમાં શું સમજણ પાડવાની, આમાં એમ કહેવા માંગે છે કે અમુક આ લોકો જે પહેલાના લોકોએ આ જે મૂક્યું છે તે કેમ કરીને મૃત્યુ વખતે સરખા રહે એટલા માટે ભય મૂકેલો, પણ આ ભયને આધારે ઉલટું મૃત્યુ બગડી જતું, તેની ગતિ બગડી જતી હતી. એટલે દાદા ભગવાને આપણને ફેક્ટ વાત કીધી, જો વાસ્તવિકતા શું છે તો કે આ નિયમરાજ છે, જમરા નામનું કોઈ પ્રાણી છે નહીં, તારે ગભરાવાની જરૂર નથી, તું તારી ભૂલોની માફી માંગીને આગળ વધી જા, તારો ભાવ સુધરી જશે. આ તો ડરના માર્યા અને ભયના માર્યા છેલ્લી ગત છેલ્લા કલાકમાં જો ભય લાગે ડર લાગે તો મનુષ્ય ગતિ પાછી ના મળે, એની ગતિ અવળી થાય, અધોગતિ થાય. એટલે એમાંથી છૂટવા માટે અને દાદાએ ફેક્ટ વાત મૂકી, આ તો લોકોને ભય પેસાડવા માટે આ વાત મૂકેલી, ઇટ ઇઝ નોટ એ ફેક્ટ. એટલે ફેક્ટ વાત મૂકવા માટે દાદા ભગવાને ફેક્ટ વાત ખુલ્લી કરી કે ભાઈ આવું કશું છે નહીં, તમે ડરશો નહીં, પણ આ નિયમરાજ છે એટલે નિયમ પ્રમાણે એના પ્રમાણે જ મૃત્યુ આવશે, કોઈ લાવવાનું નથી, કોઈ લઈ જવાનું નથી, તમારી નહીં. બરાબર ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે વાતની વાસ્તવિકતા તમે કહો તો તમને ભય ના લાગે અને તમારી સમજ પાકી થાય. કારણ કે તમને જે હેરાન કરનારું છે એ અંદર રહેલી અણસમજણો છે,
એટલે અણસમજણો કાઢવા માટે દાદા ભગવાન કહે છે કે અમે તમારા દુઃખો કાઢવા આવ્યા છે, અમારા દુઃખો વધારવા નથી આવ્યા. બરાબર. તો કે આ તો પહેલાથી પેસી ગયું તું, અમુક સંજોગો વસત મૂકેલું, પણ ઇટ ઇઝ નોટ ફેક્ટ. હવે લોકોનું અહિત થવા માંડ્યું છે આ વાતથી, એટલે અહિત થાય તો પછી એ વાત કાઢી નાખવી પડે અને જેમ છે તેમ મૂકવું પડે. એટલે આજના કાળના મનુષ્યો બહુ બુદ્ધિશાળી છે, વાતને સમજી શકે છે, એટલા માટે દાદા એ જેમ છે તેમ મૂક્યું. એટલે ઘણું બધું આમાં સમજાય એવી રીતના. તો પછી એમ થતું હતું કે આ તો ખરેખર હકીકત, ઓલા છોકરાઓને જેવી રીતના આપણે બગાવતા હતા ને એવી રીતના વાતો હતી, તો એ કાયદેસર ખુલ્લી થાય છે. આવી તો કેટલી બધી વાતો દાદાના, દાદા ભગવાને, દાદા ભગવાને જાતે પ્રયોગ કરેલો આ બાબતમાં. અને જેમ કૂતરું રડે ને આ બધું એમણે જોયું હતું કે આ કૂતરું રડ્યું એટલે યમરાજ આવ્યા અને આમ તેમ ડોહાને લઈ જશે, એમને જોરથી કૂદકો માર્યો ડોહાની ઉપર કે ના લઈ જાય એમ કરે, એ બધું બધું બહુ વર્ણન કરેલું છે, ખ્યાલ આવ્યો. અને પછી અનુભવ પરથી તારણ કાઢ્યું કે આવું કોઈ છે નહીં, નિયમરાજ છે એટલે કોઈ લઈ જનાર છે નહીં, લઈ જનાર કોઈ હોય નહીં, તમારો ઉપરી કોઈ નથી. લઈ જનાર હોય તો ઉપરી કહેવાય, ઉપરી હોય તો મોક્ષ ના થાય. બરાબર. દાદા ભગવાને હકીકત ખુલ્લી કરી, હકીકત. બહુ આ તો આપણને એટલું બધું નિર્ભયપદક બનાવે છે કે જ્ઞાન ના લીધું હોય ને તો પણ માણસ ખુશ થઈ જાય, એને ભય મટી જાય. ભય કાઢવા માટે દાદાની વાતો છે બધી, દુઃખ કાઢવા માટે દાદા ભગવાનની વાતો છે. એક એક વાતની અંદર એવું જ છે, ભય આવે. એટલે લાભ લેવાનો, ખૂબ લાભ લો. હા, ઓકે, હાજી, પોરબંદર થી બોલે છે, લંડન ના મહાત્મા છે અને પોરબંદર માં આવ્યા હતા. પોરબંદર આવીશું. વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ કઈ હોય કે બધામાં શુદ્ધાત્મા જોવા એ જ વ્યાખ્યા? ના, મનુષ્યપણાની વાત કરે છે, મનુષ્યપણાની, જ્ઞાનની વાત નથી કરતા. સજ્જનતાની મૂર્તિ એટલે, સજ્જનતાની મૂર્તિ એટલે શું કે મારી સાથે જે થાય છે અને મને ગમે છે તો બીજા સાથે કરવું, અને જો હું આ કરું, કોઈની દીકરી પર દ્રષ્ટિ નાખું, કોઈની બહેન પર, તો મારી બહેન પર કે મારા દીકરી પર કોઈ નાખે તો શું થાય? એ રીતે સમજવાનું છે. અને આ વાક્યમાં આપણે એવી રીતે દરેક વસ્તુમાં સમજીએ કે આપણાથી કોઈને દુઃખ અપાઈ જાય એના કરતા પહેલા કોઈના પૈસા હું ખાઈ જાઉં તો મારા કોઈ પૈસા ખાઈ જાય કે ના ખાઈ જાય? ખાઈ જાય. એટલે કે સજ્જનતામાં શું હોય તો કોઈના પૈસા ખાય ના. અચ્છા, ખ્યાલ આવે ને. અણહકનું લેવાનું માણસને બહુ આવે તો કે અણહક ના લે, હકનું લે, એ સજ્જનતા કહેવાય. અહીંયા તો બધું મફતનું મળે એમાં બહુ જ ઈચ્છા થાય કે મફતનું આવી ગયું, આપણે રાજી થાય પાછા. એટલે દાન જ બગાડવા માટે તો તમને એવું મફતનું આપે છે ને, હસાવવા માટે. બરાબર છે. જ્યાં મફતનું મળે ત્યાં સમજવાનું કે ફસામણ આવી છે મોટી. મફત 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 જમવાનું મળે તો મફત, પણ એમ વિચાર નથી આવતો કે મફત શબ્દ છે એટલો બધો અઘરો છે, સમજવો બહુ અઘરો છે મફત શબ્દ. ના, સમજવો અઘરો નથી, ત્યાં ફસામણ છે સમજવાનું. ચૂહા ફસ જાતા હૈ ઉસકે અંદર. મા બાપ ના જે સંસ્કાર પડ્યા હોય આપણને નાનપણથી, કે મારા મધર શીખવાડતા હતા અમને, મારા દાદીને જોતા હતા અમે ઘરમાં અનાજ બનાજ જોઈએ બધું બહુ જ, તો એ વખતે વિનિમય પદ્ધતિ હતી, વિનિમય પદ્ધતિ એટલે અનાજ આપવાનું ને પેલું ફ્રૂટ આપી જાય અમને એવી રીતે, પણ એ બધું જોયેલું. પણ મારા બા કહેતા હતા એમ કે લોકોને જમાડવાથી જે ખુશી મળે છે ને એવી કોઈ દુનિયામાં ખુશી નથી કે છે. આપ જેટલા
आप जितना दूसरों को निस्वार्थ भाव से हेल्प करो तो बहुत बड़ी खुशी है। अच्छा, निस्वार्थ भाव से सबसे बड़ी खुशी किसमें है? तो क्योंकि आप दादा की ज्ञान की बात करो और उसको कुछ ज्ञान फीड हो जाए तो बहुत बड़ी खुशी है। पर एक एवं नहीं लगता कि दादा भी कहता था कि आपने दादा भी कहता कि कनु दादा भी कहता कि मैं क्या जिन तू सत्संग करिया है तू दादा बुनासिम जी का बोलिया है पर मने अंदर से एवं थतु तू ये एमनी हाजरी वक्त उत्साह रहते तो कहवा जवा पर ए दादा गया पछी नो खबर नहीं उत्साह जतो रहो छे पहला मारे दीवा जेवा थई जवू छे एवू एवू मारे अंदर फिट थई गयो छे एवू कोई ने कहेवानुं थतुं नथी कोई पूछे तो उनको पहला भाई ने पूछो एमने आपसे जवाब सारो सहजा सहज अगर होता है तो करो नहीं होता है तो छोड़ दो। अच्छा अच्छा सहजा सहज होवे तो करो अपना जब होगा तब की बात तब देख लेंगे लेकिन अभी तो कुछ कोई मिलता है तो बात करने की हाँ, वो तो बराबर है हाल में सामने से मत जाओ लेकिन कोई मिलता है कोई भेगा होता है तो बात करो। हमारा नवरात्र आता ने यहाँ गड़ी बदु हमारे सीनियर सिटीजन नो ग्रुप छे तो बता भजन मंडली रहती तो हम पर एक दिवस कही भजन मंडली में पची बता भजन गाता था कान ना कुंडल ने माता जी ना होय बदु પછી દીપક આનંદ જે સમજાવ્યું તું મને આપણને બ્રહ્મકુમાર યા તે નવ 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 દિવસ તે બધું સમજાયું પછી મેં એ લોકોને કીધું કે ભાઈ આ નવરાત્ર શાના માટે છે આપણે આપણી પ્રકૃતિ માટે છે પણ એ લોકોના મગજમાં હજુ ખ્યાલ ના આવે કે નવરાત્ર એ લોકો તો એમાં જ રચ્યા પચા રહે કે ભારી વાત નહીં કરને કી ભારી વાત નહીં કરને કી છોટી છોટી આસાન વાત કરને કી आसान बात करने की बांटने से बढ़ता है ऐसा बोलने का आसान बात प्रसाद करो सिंपल ऐसी सादगी सिंपल बात करने की प्रसाद तो सैलमा ले आवन दादा भगवान ने बताया था चंद्रकांत भाई भावी तीर्थंकर भगवान का एक एक कमेंट हुई थी कि दादा आपके ज्ञान लेने के बाद तो हम सच्चे मनुष्य होते हैं ज्ञान के पहले तो हम मनुष्य भी नहीं थे। बराबर छे बराबर 100% चंद्रकांत भाई ने दादा भगवान को बताया कि आपके ज्ञान लेने के बाद तो हम मनुष्य हुए ये ज्ञान लेने के बाद मनुष्य होते हैं हम बराबर इतना बड़ा कमेंट किया था बराबर छे ठीक है एना दादा मळ्या पछी तो मां-बाप नी वैल्यू समझाई अमे दीपक आनंद ने जोता था कमलेश आनंद ने जोता था तमे तमारा मधर ने केवी रीते ट्रीट करता देखातुं तुं आम आम પથારી બથારી બધી સાફ કરી તો મને સરસ એમને આશીર્વાદ એટલે મારે તો લવ મેરેજ થયેલા એટલે કેટલો બધો એમનો ગુસ્સો હશે પણ આખું રિવર્સ થઈ ગયું। आज 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 मैंने आपका दादा भगवान के साथ की बात सुनी तो हसमुख भाई के वहां गए थे दादा भगवान और आप भी वहां थे और आप बहुत बोल बोल करते थे बहुत बातें करते थे तो हसमुख भाई ने आपकी कंप्लेंट की आपने ही बताया दादा को बोलो मैं बहुत बोलती हूँ तो दादा भगवान बोलते हैं इसको बोलने दो कोई वादा नहीं चिंता मत करो वो ऐसे ही नहीं बोलते दादा भगवान आपके बारे में ख्याल में है ना आपके लिए बहुत बोला है इसके तो कि उसकी चाबी मेरे हाथ में बोलने की बंद हो जाएगी। जैन भाई ने कम्प्लेन करी कि हेमा बेन मारा सगाओ ने बधाने आगळ लावा प्रयत्न करे छे छो करता के छे हेमा बेन छो हेमा बेन अत्यारे तो मारे हेमा नी बहुत जरूर छे एवू कहता था। हां हां सही बात है सही बात है। ए ए एनु बोलवानो बंद थई जशे के एनी चावी मारी पासे छे बोपड़ी बंद थई जशे। राइट राइट राइट। फिर दादा भगवान बोला दादा भगवान ने बोला कि वो जितना है उतना ही बोलेगी ज्यादा नहीं बोलेगी। हां ले ए वाणी छे ने एक टेप रेकॉर्ड छे ए रीतनु है। यस मने थतो के दादा नी उम्र आवी थई छे तो हवे दादा मने मळ्या छे तो બધાને મળે ઓળખાણ પડે બરોબર અને દાદા મને પાછા સળી બી કરે કે ચાલ આપણે તારી બેનપણી ઘરે જઈએ ખાવા જઈએ રાઈટ
આશય શું હશે ખબર નહીં, પણ હવે ખબર પડશે કે આશય શું હતો ને આજે કેટલું જ્ઞાન ફેલાઈ ગયું, કેટલું જ્ઞાન ફેલાઈ ગયું. સહી વાત, સહી વાત. ઓકે, જય સચિદાનંદ, જય સચિદાનંદ, જય સચિદાનંદ, જય સચિદાનંદ. ગીતાબેન જય સચિદાનંદ. રાજીવ સ્વામીજી, દાદાજી પ્રમાદ કે બારે મેં ક્યાં બોલતે થે? પ્રમાદ શબ્દ કા? ક્યા પ્રમાદ કે બારે મેં દાદાજી ક્યાં કહેતે થે? કિસકે બારે મેં? પ્રમાદ, પ્રમાદ. સમજ મેં નહીં આ રહા ક્યા? પ્રમાદ, પ્રમાદ, પ્રમાદ. હા, પ્રમાદ, પ્રમાદ. ઓ અરે, ઓછકે બારે મેં તો બહોત ડાંટતે થે આપ તો પુત્રો કો દાદા ભગવાન. ક્યાં બોલતે થે? બોલતે નહીં તે, ડાંટતે થે. एक बार हम दादा के रूम में सो गए खाना खाने के बाद, तो दादा ने रूम के बाहर निकाल दिया, बोला लिख के लाओ कि अगर आइंदे दूसरी बार सो गए तो संघ के बाहर निकाल देंगे. बोलते हैं एक सांप रूम के अंदर होगा तो आप सो जाओगे? तो कि नहीं सोएंगे दादा. तो मैं तो सांप से भी मेरी कीमत गई, तो आप मेरी हाजिरी में सो जाते हो, ज्ञानी की हाजिरी में सो जाते हो, जिसकी हाजिरी में अपना काम निकाल लेना चाहिए उसकी हाजिरी में आप सो जाते हो, कैसे हो आप? बहुत डांटा था, बहुत डांटा था. और बाप रे, वो तो महीने भर चला था इस बात, महीने भर चली थी वो बात, महीने भर. जहां भी जाए प्रवेश की बात, जहां भी जाए यहीं की बात. ख्याल में है ना? बात के लिए तो दादा बहुत बोलते थे, बहुत बोलते थे. नींद सबसे बड़ा प्रमाद है, ज्यादा खाना सबसे बड़ा प्रमाद है. जो अपना शुद्धात्मा का लक्ष्य चुका दे उसको प्रमाद बोला जाता है. तो बोला अभी वो अपने को पोसाना नहीं चाहिए. ख्याल में है? ये ज्ञान मिलने के बाद प्रमाद पोसाना नहीं चाहिए, लेकिन पहला प्रमाद को पहचानना चाहिए. प्रमाद पहचाने तब अपने को उससे छूटने का मन करे. प्रमाद ही नहीं पहचाने तो क्या करे? अभी जो ये योग हुआ है, आपको परमात्मा योग प्राप्त हुआ है, वो परमात्मा योग का पूरा लाभ लो. एक सेकंड छूटो, छोड़ो मत उसको. अगर छोड़ते हो तो वो प्रमाद है, प्रमाद, जबरदस्त प्रमाद है. अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे रिलेटिव रियल नहीं दिखता है आपके अंदर, तो प्रमाद है. मैं बात करता हूं तो बात करने के वक्त मेरे बात के ऊपर मेरा उपयोग नहीं है तो वो भी प्रमाद है. वो सब जागृति की बात है, लेकिन मेन मेन प्रमाद तो नींद और खाना, वो बहुत बड़ा प्रमाद है. ये ज्ञान मिलने के बाद तो उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए. एटलीस्ट जानना तो चाहिए अपने को कि मेरे अंदर मैं कितना नींद की फेवर करती हूं, नहीं करती हूँ, कितना सोती हूँ, कितना खाना खाती हूँ, खाने के लिए कितना लुप्तपना है, वो सब तलाश करके देखना चाहिए अपने को. दादा भगवान बोलते हैं जानने के बाद प्रमाद नहीं होता है, जब तक जाना नहीं है तब तक प्रमाद है. जानने के बाद कुछ करने की जरूर नहीं है, क्योंकि जानने के बाद ऑटोमेटिक ज्ञान काम करता है फिर. इसलिए जानना बहुत जरूरी है हम कितना प्रमाद करते हैं. आई बात? हाँ, कि नहीं आई? आ गई ना. हाँ, समझ आ गई ना. जय सच्चिदानंद. बोलिए दादा जी. गुण स्थानक को कैसे समझाते थे दादाजी? है गुण स्थानक? हाँ, गुण स्थानक. हाँ, कैसे समझाते थे दादाजी? समझाते थे, वो तो काफी अच्छा समझाते थे, लेकिन प्रमाद जितना कम उतना गुण स्थानक ऊपर. सीधी साधी बात एकदम. ख्याल में? गुण स्थानक का नाम है प्रमत, प्रमत, अप्रमत, अपूर्व, ये सब वो 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 प्रमाद के ऊपर है सब. जितना प्रमाद ज्यादा उतना गुण स्थानक नीचे. अपना चौथा गुण स्थानक चालू हो गया ज्ञान के बाद. अभी जितना जितना प्रमाद कम होगा उतना आप ऊपर जाओगे, ऑटोमेटिक गुण स्थान आपका बढ़ेगा. उपयोग जागृति बढ़ेगी उतना गुण स्थानक बढ़ता है. मैं जितना फाइल नंबर एक और मैं अलग हूं, पैसा समझ में आएगा. फाइल नंबर रिलेटिव है,
ऐसा समझ में आएगा तो गुण स्थानक ऊपर चलता जाएगा। ख्याल में? इसलिए उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन में पड़े बिगर अपने को ये देखने का प्रमाद कितना रहता है, मैं आज्ञा में रहती हूँ कि नहीं रहती हूँ, रहती हूँ तो कितना रहती हूँ, नहीं रहती हूँ तो क्यों नहीं रहती हूँ, किस हिसाब से मैं चूक जाती हूँ, वो तलाश करना चाहिए, वो प्रमाद है। आज्ञा में नहीं रहना सबसे बड़ा प्रमाद है। ख्याल में आया कि नहीं आया? आया स्वामी जी। आप एक बार अलवर आए थे तो आपने बहुत अच्छे से पांच आज्ञा कंपनी गार्डन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, वो आज तक भी जैन में जो की त्यों है। हाँ नहीं सही बात है, सही बात है। लेकिन प्रमाद समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया। मैंने ये अभी सत्संग होने से पहले मोबाइल को चार्ज करने के लिए रखा था जी। लेकिन मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट वो हमारे घर में काम वाली भाई आती है उसने यूज किया, तो जाते जाते उसने वो लाइट ऑफ कर दी, स्विच ऑफ कर दी, और भी मैंने मोबाइल रखा था कि भाई कीर्तन भक्ति है करके, तो देखा तो स्विच बंद थी तो चार्ज ही नहीं हुआ, तो मुझे एक बार तो गुस्सा आ गया, लेकिन तुरंत याद आ गया अरे ये तो व्यवस्थित शक्ति है, तो फिर शांत हो गया। तो प्रमाद प्रमाद अपना शुद्धात्मा स्वरूप को भुला देता है, तो वो नहीं पोसाना चाहिए अपने को, वो ध्यान में वो सब ढूंढ लेना चाहिए कि ऐसा कौन सी चीज प्रमाद है कि जो हमको शुद्धात्मा में रहने नहीं देती। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए। आ बेन नो प्रश्न छे, बेन ने पूछो तो जरा बेन ने समाधान थाय। हाँ बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलो। मारो प्रश्न ये छे बापू, आ बा दादा भगवान नु ज्ञान मा मने श्रद्धा थाय, हाबरा तो गमे लेवानी इच्छा थाय, પણ અમે પહેલેથી આપણે ભગવાનને રામ કૃષ્ણ ભગવાનને કે શંકર ભગવાનને જે કંઈ પણ આપણે માનતા હોય પૂજતા હોય એને કાયમે માળા કરીએ એ ચાલુ રાખાય કે પછી છોડી દેવાના? ચાલુ રાખવાનું ને, કઈ વાંધો નહીં એ, એટલે આપણે હારે ચાલુ રાખવામાં કોઈ ઓલું નહીં ને બાધા, કોઈ દિક્કત કોઈ બાધા નહીં, ઉલટું સરસ પહોંચે, ઉલટું સરસ વધારે ફાયદો થાય। એટલે એમ કે એમાં ભાવ ને શ્રદ્ધા પહેલેથી નાનપણથી મને એને પ્રત્યે આપણે છે તમને એમ થાય તમે ચાલુ રાખો, ચાલુ રાખવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ વાત જેમ જેમ તમને સમજાતી જશે તેમ તેમ ઓટોમેટિક પછી એ છૂટી જશે, આપણે છોડવાનું નથી, ચાલુ રાખવાનું મન થાય તો ચાલુ રાખો, જેટલી શ્રદ્ધા એટલું રાખજો, પણ આપણે કૃષ્ણને ને રામને દેહ સ્વરૂપે જોયા છે, શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે જોયા નથી, અસલ ભગવાન શુદ્ધાત્મા છે, તો દાદા ભગવાનમાં જે શુદ્ધાત્મા પ્રગટ થયા એ જ રામમાં થયા હતા અને એ જ કૃષ્ણમાં થયા હતા, એટલે જયારે વાત સમજાશે ને એટલે ઓટોમેટિક એ છૂટી જશે। મને શિવમાં બહુ માનતો હતો, શિવની બહુ ભક્તિ કરી, ઓમ નમઃ શિવાયની માળાની માળા કરી છે, પણ જેવું ખબર પડી કે શુદ્ધાત્મા એ જ શિવ છે એટલે ઓટોમેટિક બંધ થઈ ગયું। દૂધ ચડાવતા હતા શિવલિંગ પર? અરે બહુ ચડાવ્યું છે, બીલી પત્ર 1001 ચડાવેલું હતું, 1001 મહિનામાં તો બીલી પત્ર ચડાવવાનું, દૂધનો લોટો ભરીને ચડાવવાનું, પાણી મિક્સ કરીને, એટલે બેન ચાલુ રાખજો, હા કઈ ચિંતા નથી, કશું ગુનો એ નહીં થાય અને ઉપરથી ભગવાન ખુશ થશે, હા એટલે ચાલુ રાખજો। જ્ઞાન લીધું છે તમે? નથી લીધું, એટલે જ કે કઈ વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં, તો પછી લે વાંધો નહીં, હા એવી કૃપા કરો, જેની માળા કરતા હોય ને એમને કહી દેવાનું કે તમારે દર્શન આપો, સાચા દર્શન આપો, એને બહુ ગમે છે, દાદાનું જ્ઞાન ની વાતો બહુ ગમે છે, પણ હજી એને એ લેવાનો ચાન્સ નથી મળ્યો જ્ઞાન લેવાનો। એનો વાંધો નહીં, પણ જેની માળા કરો છો એને કહેવાનું કે તમારા સાચા દર્શન થાય એવી કૃપા કરો મારી ઉપર, મારો જન્મ મારો સફળ થઈ જાય, જિંદગી મારી સફળ થઈ જાય એવી પ્રાર્થના કરવાની। હા આપણે ભગવાન શંકર ભગવાન ને ઓમ નમઃ શિવાય ની એક માળા કરું,
ઓમ નમઃ શિવાય ને કહી દેવાનું શિવ ભગવાન ને કે તમારા સાચા દર્શન થાય એવી કૃપા કરો અને મારી પણ ત્રીજી આંખ ખોલી આપો. ઠીક છે, જય સચિદાનંદ. સચિદાનંદ, જય સચિદાનંદ. સચિદાનંદ ભરતીબેન, હેલો. કા મને કહ્યું ભરતીબેન, શાંતાબેન તમે ત્રિમંત્ર બોલજો. આમનું નામ શું? આબાનું નામ લાખીબેન. લાખીબેન તમે ત્રણેય જણા બોલજો, ત્રિમંત્ર ફોલો કરજો. પરેશજી બોલાવજો. હું બોલાવું છું, તમે બોલજો બધા સાથે. ભલે. નમો વિત્રાગાય, નમો વિત્રાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોયે સૌવ સાહુણમ, નમો લોયે સૌવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌવ પાવપણાસણો, સૌવ પાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સવ્વેસીમ, મંગલાણં ચ સવ્વેસીમ, પડમં હવૈ મંગલમ, પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ.